आपको लगता है कि ये अब सारे मसाइल जो हैं वो गए हैं और वाकई अब अदालतें सही काम करेंगे? अच्छा, बुनियादी तौर पे सीओडी का हवाला दिया जाता है तो सीओडी में तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसे ये बालाए ताक रख रहे हैं। ठीक है, अगर सीओडी को करना है उसका सारा कहते हैं अनफिनिश बिजनेस है तो वो अनफिनिश बिजनेस सामने ले आए। उसमें तो ये लिखा हुआ था जितनी एजेंसीज हैं उनके पोलिटिकल विंग्स नहीं होंगे। आज हैं, क्या काम नहीं हो रहा उस पर इन्होंने कोई स्टेप लिया, तदारुक किया, वो नहीं है। बुनियादी तौर पर देखें, 26वीं आईनी तरमीम जैसा आपने हवाला दिया, ये मंगू के लिए नहीं आई, ये बेसिकली इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए आई है कि हुक्मरान बेंच सिलेक्शन करेंगे और जो इलेक्टोरल इधर फ्रॉड हुआ है उसको किसी तरह से प्रोटेक्शन मिले। देखें, कहीं भी नहीं होता कि आप मर्जी के जजेस जो है ना का बेंच कॉन्स्टिट्यूट करें। ठीक है, पार्लियामेंट का इख्तियार है, जजेस जो आए ठीक है वेल रिप्यूटेड आएँ, अच्छे तरीके से आएँ, जुडिशरी की कोई हालत अच्छी नहीं है, उस मेयार को और बेहतर होना चाहिए, मगर डे टू डे वर्किंग में अगर पार्लियामेंट ने इंटरफेयर करना है और उन्हीं जिनके केसेस लगने हैं उन्हीं ने करना है, इतना मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्हीं ने जो है ना डिसाइड करना है तो फिर किस जैसे तरह का इंसाफ आएगा? कमेटी के अंदर सारे तो लॉयर्स हैं, लॉयर तो फिर देखें उन्हीं ने पेश होना है, वो एक और एस्पेक्ट है, मगर वैसे अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें मोस्टली लिटिगेशन 1843 की किसके अगेंस्ट होती है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। तो गवर्नमेंट को ही आप इख्तियार दे रहे हैं कि जी जिसकी डोमिनेशन उसमें होगी वो बेंच सिलेक्ट करेगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मतलब इनका ये ख्याल है कि क्या गवर्नमेंट का ये ख्याल दुरुस्त है कि उस तक एक आईनी बेंच जो बनाएंगे, जिसको वो बनाएंगे, वो कल को उनके खिलाफ अगर कोई चीज़ जाती है तो उनको फेवर मिलेगी? आपके ख्याल में ये मुमकिन हो सकता है? ये आइडिया हर हुक्मरान का यही होता है, मगर ये चीज़ें बैकफायर करती हैं। देखें, हिस्टोरिकली देखें, अगर पुराने आपने कहा ना 26वीं आईनी तरमीम तक पहुंच गए हैं, तो 6ठी आईनी तरमीम इसी ऑब्जेक्टिव से लाई गई थी कि जी चीफ जस्टिस की टेन्योर पोस्ट करा दी जाए, मनपसंद बंदा बैठा रहे, मगर हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है। देखें, ये चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। अगर वाकई आप समझते हैं रिफॉर्म्स लानी है तो रिफॉर्म्स नीचे से आएंगी, रिफॉर्म्स ओवरऑल सिस्टम बेहतर करने से आएंगी।